एक खबर है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। कोरोना कर्फ्यू के बीच मंगलवार को जिला प्रशासन ने कड़ी पाबंदियों के बीच सुबह 7 से 11 बजे तक किराने की दुकान खोलने की अनुमति दी थी, मगर बाजार पूरा खुल गया। महावीरगंज में खाद्यान्न की थोक दुकान, कपड़ा बाजार, रेडीमेड गारमेंट्स, घरेलू व रसोई उपयोग के सामान की दुकानें खुल गई। खैर रोड बाजार में भी दिन भर चोरी छिपे सामान बेचने का सिलसिला चलता रहा। इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष सतीश महेश्वरी ने डीएम वॉर रूम पर की। सजग भी किया कि बाजारों में इसी तरह की भीड़ आई व सड़कों पर आवागमन रहा तो 10 दिन की बंदी बेअसर हो जाएगी। सरकार ने किराने की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। सुबह से लोग सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर निकल पड़े थे। सुबह 11 बजे बाद खोली गई शराब की दुकानों पर भी बेशुमार भीड़ थी। लोग दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर सर पर दौड़ रहे थे, कहीं रोक टोक नहीं थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सख्ती की मांग की है।